जब तमाम हुई दोस्त चले गए और उन्होंने मेरी कलाई थामी, और बड़ी शिकंजे किस्म की कलाई थी, बहुत बारीक उंगलियां थी उनकी, बिल्कुल हड्डियों की तरह, और थाम कर कहने लगे, दर साहब हम आपके सब्र और इस्तकामत के कायल हो गए हैं, अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ है, अब इस हकीर और पुरतकसीर फ़कीर को हुक्म करें कि आप क्या चाहते हैं, जो कहेंगे तामील होगी। ये कौन साहब थे? आज उन्हीं साहब का तज़करा कारवां सराय में हम करेंगे, एक दास्तान है वो सुनाएंगे। ये 1973 के अवायल का किस्सा है कि मेरी किताब निकले तेरी तलाश में का दूसरा एडिशन छपना था। पहले एडिशन का जो था सरवर्क वो अब्दुलरहमान चुगताई ने बनाया था, और मेरी ख्वाहिश थी कि इसी तरह कोई बड़ा मुसव्वर जो है वो सेकंड एडिशन का टाइटल बनाए। हम तस्वीरकश तो नहीं थे, लेकिन तस्वीरकशों के मुद्दा बहुत थे, और उन जमानों में सबसे बड़े मुसव्वर जो थे वो साद कैन माने जाते थे। उनके साथ हमारी साफ सलामत नहीं थी, सलाम दुआ नहीं थी। मालूम हुआ कि इन दिनों लाहौर में हैं और लाहौर म्यूज़ियम की छत पे एक बहुत बड़ा म्यूरल बना रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता था कि हम जाते और हम नौखेर थे, हमें कोई जानता भी नहीं था, और वो ऊपर छत के माइकल एंजलो की तरह ऊपर जिस तरह उसने सिस्टीन चैपल की वो पेंटिंग बनाई है आदम वाली, तो वो बना रहे हैं और मैं नीचे से आवाज़ दूँ कि साद कैन साहब आपसे काम है, नीचे आइए और उनसे कहूँ कि जी मेरा सर्वर्क बना दें। जाहिर है कि वो हमें बहुत नाराज़ होते इस पर। तो मैं तलाश कर रहा था कि क्या सिलसिला हो, कैसे उन तक रसाई हासिल हो। तो उन्हीं ज़मानों में एक नौजवान खालिद भट्ट मेरे पास आया करता था, कैलेंडर फरोख्त करता था, अदब से दिलचस्पी थी, मेरे पास बैठता था। एक रोज़ मैंने पूछा कि यार खालिद इससे गुजारा हो जाता है? कहने का नहीं, गुजारा तो नहीं होता, 3-4 दिन हो गए हैं कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं दोपहर के बाद साद कैन के पास होता और वो मुझे अपना कोतवाल कहते हैं, उनके छोटे मोटे काम कर देता हूँ, कुछ चाय वगैरह सर्व कर देता हूँ, उनके जो दोस्त यार आते हैं उनकी खिदमत कर देता हूँ, तो वहाँ से कुछ गुजारा हो जाता। मैंने कहा तुमसे एक काम है, मैं साद कैन साहब से मिलना चाहता हूँ और सरवर्क बनवाना चाहता हूँ। कहने लगा कि इसकी गारंटी नहीं हो सकती, अलबत्ता आप चले आए, वहाँ शाम को मन्नू भाई भी आते हैं, वो आपको जानते हैं, जावेद शाहीन भी आते हैं, महफिल होती है, तो मैं भी कुछ उनसे सिफारिश कर दूंगा। चुनाचे अगली शाम हम वहाँ पहुँच गए, वो महफिल जमी हुई थी, और सलाम करके तो मैं तो एक कोने में चुपके से बैठ गया, और जिस तरह देहात में, पुराने देहात में वो लस्सी मांगने वाली लड़कियाँ आके ना बड़ी बेचारगी से बैठ जाती हैं कि बारी आएगी तो मांगेंगे, तो मनु भाई भी वहाँ पे थे, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे, मेरे मेहरबान थे, और याद रहे कि कालम नवीस थे और ग्रेवान नाम का कालम लिखते थे, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था, इमरोज़ में छपता था, और इमरोज़ एक अदबी किस्म का अखबार था, अहमदुद्दीन कासमी उसमें अनका के नाम से या अरफो अकायद के नाम से लिखते थे, और उन ज़मानों में एक दो ही होते थे कालम, इन दिनों मतलब एक दो खबरें होती हैं और बाकी सब कालम होते। चुनांचे वो बहुत पॉपुलर थे, झोंक सियाल उनका सीरियल था, वो सोना चांदी था, प्लेटफॉर्म था, शायरी बहुत अच्छी करते थे, और एक बात और मुझे याद आई कि थोड़ा सा थथलाते थे, लेकिन जब दोस्तों की महफिल में अपना कलाम पढ़ते थे तो थथलाते नहीं थे, और जावेद शाहीन भी होते थे वहाँ पे, और जावेद शाहीन के साथ भी यही मसला था कि लुकनत थी उनकी आवाज़, और बहुत ज़बरदस्त शायर थे, तो वो जवानी में उनको हीरो बनने का शौक़ था, उस ज़माने में हर कोई जो शख्स था वो उसको हीरो बनने का शौक होगा। तो हमीद अख्तर की सिफारिश लेके वहाँ पे चले गए बम्बई, साहिर लुधियानवी को मिले, अब उनमें एक्टिंग टैलेंट तो थी नहीं, साथ उन्होंने देखा कि जुबान में लुकनस है तो अब इसको शौक है, तो एक छोटा सा उनको किरदार दिया गया, किसी पान की दुकान पर खड़े हुए पान मांग रहे हैं ये सब, और वो ये था कि वो थसला के पान मांगता। अब मसूफ ने जब बोले वहाँ पे तो थथलाए नहीं, डायरेक्ट सीधा अदा कर दिया, उन्होंने कहा भाई आपने थथलाना है। तो इनका मसला ये था कि आम गुफ्तगू में ज़बान में लुकनत होती थी, लेकिन जब रवानी होती थी लिटरेचर की या नज़म की उसमें कोई लुकनत नहीं होती। खालिद कुछ मेरा ख्याल है सिफारिश कर चुका था,
जब वो महफिल बर्खास्त हुई तो बहुत मुअद्दब होके मैंने साद कैन साहब को अपनी किताब पेश की। मैंने कहा जी मैं नया नया राइटर हूँ, दो तीन किताबें लिखी हैं और मेरी ख्वाहिश है कि इसका सरवर का आप बनाएं। कहने लगे दार साहब यहाँ आप जैसे लोग आते जाते रहते हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश होती कि फ़कीर से कुछ नजराना लेके जाएं। अब हम सबकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकते, हम आपका इम्तिहान लेंगे, तो आते जाते रहिए। अब अजीब इत्तफाक है, उन दिनों में खासा फारग था, चुनाचे मैं लक्ष्मी मेंशन से निकलता, माल रोड पे हम रहते थे, टी हाउस आता 6 बजे के करीब, वहाँ 2 घंटे अदब पे गुफ्तगू होती, मगजमारी होती, वहाँ से मैं सीधा चला जाता अजायब घर। अजायब घर के पीछे एक छोटी सी और भी एक्सटेंशन थी उसकी, वहाँ एक कमरा था छोटा सा, वहाँ साथ कहन रहते थे। तो मैंने जाना और वहाँ जाके हसबे मामूल एक कोने में यूं करके बैठ जाना, मुझे बातें बातें भी करते रहते कि क्या करते हो वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बताया कि शुरू में जब मैं आया हूँ पाकिस्तान तो यहाँ एक एंटोमोलॉजी या इस किस्म का कोई महकमा है, वो कीड़े मकौड़े और कोई इस बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं उनमें इस किस्म के अशरात वगैरह ना हो, उसका कोई महकमा है। तो उसमें कहने लगे हम काम करते थे और हम कीड़े मकौड़े बनाते थे, तो इसीलिए ज़रा चीज़ें टेढ़ी हो जाती। और वहीं से कैक्टस के साथ, क्योंकि इम्तियाजी जो उनका वसफ है कैक्टस को उन्होंने बहुत बनाया और उनका ख्याल था कि ये बहुत शानदार एक चीज़, उसकी जो शेप है, जिसे खालिद इकबाल कहा करते थे कि कीकर जो है वो बहुत ही खूबसूरत दरख्त है, उसकी सैकड़ों रूप होते हैं, आप पेंट कर सकते हैं। इसी तरह साद कैन कहते थे कि कैक्टस के सैकड़ों रूप हैं और आप उनमें इंसानी दुख दर्द खुशी सब कुछ उसमें डिपेक्ट कर सकते हैं। एक मरतबा कहने लगे वो गए थे अमरोहा, उनका आबाई वतन था, वहाँ बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, तो कहा जाता है कि हाथी वे उनको बिठाया गया और शहर की सैर कराई गई। तो उसको डिस्क्राइब करते हुए मुझे कहते हैं कि हम अमरोहा गए, साहब उन्होंने हमें हाथी पे बिठाया। अब वो हाथी ही नहीं कहते थे, हाथी ही कहते, हाथी पे बिठाया, समझ रहे हैं ना आप, हाथी बहुत बड़ा होता। मैंने कहा जी हाँ वो काफ़ी बड़ा होता, उस पर बिठाया। तो मैंने कहा सर आप नीचे कैसे उतरे, जैसे ऊपर गए थे वैसे नीचे आ गए। तो इस किस्म की वो बातें करते रहे। तकरीबन 2 माह गुजर गए, 2 माह गुजरने के बाद एक ऐसी शब आई कि सब लोग रुखसत हो गए, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और कहने लगे जो मैंने आगाज में कहा था, तारजाब हम आपके सबर और इस्तकामत के कायल हो गए, अब जो कहेंगे हम बनाएंगे, अकीर पुरतकसीर वगैरह। अच्छा मैं ऑलरेडी बेशुमार वो जो मार्कर होते हैं कागज़ हैं वो सारा कुछ ले के आया, तो मैंने वो पेश कर दिए। कहने लगे नहीं अभी तो देखें, मुसव्वरी इस तरह तो नहीं होती, इसके लिए तो एक ख़ास तवा मौजूं की जाती है। अब सब कुछ आ गया, हमने हाँ कर दी है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और याद रहे कि आज से पेशतर मैंने सिर्फ अल्ब कामियो, जानते हैं कामियो को, मैंने कहा जी हाँ फ्रांसीसी बहुत मशहूर नावल, उनका नावल था द स्ट्रेंजर, उसकी हमने हुकूमत फ्रांस की फरमाइश पर उसको मुसव्वर किया था। उनके बाद हम इंशाल्लाह आपकी किताब निकली तेरी तलाश में को मुसव्वर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र और। चुनांचे फिर सब्र किया, 10-15 दिन गुजर गए, उसी तरह महफिल बर्खास्त हुई कि कभी भी दोस्तों के सामने मुसव्वरी कम ही करते थे, अकेले होते थे फिर करते थे, लेकिन हम वक्त उनके हाथ यूँ करके मुतहर्रक रहते थे, यानी गुफ्तगू भी कर रहे हैं किसी भी मौजू पर, तो वो लगता था कि उनके अंदर जो नक्शे चल रहे हैं वो बना रहे हैं। और इसीलिए जब वो खड़े होते थे कैनवस के सामने तो एकदम बनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो नक्शा वो ऑलरेडी अपने जहन में तैयार कर चुके होते थे। तो गए कहने लगे आज तबीयत जो है वो जलानी हो रहा है,
उस तबा जो थी वो बहुत मौजूम हो गई है, आप पूछिएगा क्यों। तो मैंने कहा जी क्यों, कुछ महवशों के चेहरे देख लिए, हाय हाय नाजनीनों को देखा है, उनके हुसन को परखा है। आप जानते हैं ना कि ये जो मुसव्वरी के काम है, ये हसीनों और मैं जबीनों की रफाकत के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन वो मौजूद हों तो फिर तो मुसव्वरी नहीं हो सकती, वो जब चले जाते हैं तो फिर मुसव्वरी होती। और मुझे बड़ी सीरियसली उन्होंने बताया, बाद में भी कहा, कहने लगे देखें जब आप हुस्न को देखते हैं ना तो आपकी आंखों में नक्श हो जाता, और आपकी आंखों के रास्ते वो बदन में उतरता है और रगों और शरियानों में दौड़ता है, और वहाँ से दौड़ता हुआ दार साहब इन उंगलियों में जाता है, इन उंगलियों में जब हुस्न सरायत करता है तब मुसव्वरी होती। दास्तान कदरे तवील है, थोड़ा सा सांस ले। बस ताज़ा दम हो गए तो साथ कैन कहने लगे कि जनाब आगाज़ हो जाए, तबीयत तबा सब कुछ अब मायल है, तो पहला बाब कौन सा है। तो मैंने कहा जी अर्ज़ रोम में खिजां, और उनको बताया कि इस तरह वहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं थे, भूखा था और खिजां आ रही थी। तो नॉर्मली ये होता था कि मैं उनको किसी भी बाब का कोई मरकज़ी जो भी ख्याल था वो सुना देता था, उसके जो अहम पहलू हैं उनकी तरफ इशारा कर देता था। कहते तो यही थे कि मैंने आज तक कोई किताब मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे शक था कि वो कभी कभी वर्गर्दानी करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा ऐसे ही बनाते बनाते कहने लगे वाह सर साहब वाह। मैंने कहा जी क्या, बस आपकी कुछ सतर याद आ गई और पास्कल की क्या बात है। तो दैट मीन्स कि उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होता था, तो उसके ऊपर उन्होंने वो ड्राइंग बनाई और मुकम्मल की, बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई, वो कमाल की ड्राइंग। और जब मैं उठने लगा हूँ तो वो उन्होंने यूं करके मुझे पेश कर दी, कहने लगे ले जाइए इसे। मैंने कहा साथ कैन साहब मतलब कि यहाँ पढ़ी रहे, दो चार और हो जाए, कोई और तलबगार आ गया और कोई महवेश हुई तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे, ले जाएं। तो मैं ले आया। ख़्वातीनो हज़रात, उन्होंने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साथ कैन अपने आप को फ़कीर कहते थे, और वो फ़कीर थे नहीं, वो दुनियादार आदमी थे और बहुत कायां और चालाक शख्स थे। मैं 1.5-2 बरस तकरीबन हर शाम मैंने उनके साथ गुजारी, और मैंने उन्हें हर कैफियत में देखा है, इश्ताल में भी देखा है, मोहब्बत में भी देखा है, तन्हा बैठे सोचते भी देखा है, पेंट करते भी देखा है, दोस्तों की महफिल में भी देखा है, और मैं गवाही देता हूँ कि वो वाकई एक फ़कीर शख्स थे। मैंने उन जैसा सादा दरवेश मिजाज शख्स नहीं देखा। बस जहाँ उनका क़याम था वो एक छोटा सा कमरा था, एक ही कमरा था, कोई लंबी चौड़ी आसाइशें नहीं थी, वॉशरूम खासा गंदा था, और एक सोफा पड़ा हुआ था, वहाँ दोस्त बैठ जाते थे, उसके पीछे कुछ जगह थी और उससे बिल्कुल दीवार के साथ एक गद्दा पड़ा हुआ, बाकायदा बिस्तर नहीं था, वहाँ पर वो आराम कर लेते थे। शेरवानी मुझे मालूम है उनके पास सिर्फ एक ही थी, कुर्ता शलवार शायद दो होंगे, वो जो पजामा पहनते थे, और वो जैसी भी होती थी चुरमुर यूं करके रखी होती थी वो उसको पहन के, और शूज़ भी वो बिल्कुल जो होते हैं ना वो चमकते चमड़े वाले वो पहनते थे। उन्हें कतई तौर पे, यानी कोई लालच नहीं था, और जो भी आता उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर ज़रूर देते, कोई भी फरमाइश करता छोटी मोटी। और मैंने कभी नहीं देखा और कभी से सुना नहीं कि कभी उन्होंने किसी से भी अपने फ़न के हवाले से
कुछ रकम ली हो। अगर किसी ने देने की कोशिश की तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सख्त बुरा माना उसका। और गुजारा कहाँ से होता था, कोई हेड ऑफ स्टेट्स के लिए चाहिए होती थी मुसवरी, और पाकिस्तान के जो बड़े लोग बाहर जाते थे तो उनकी मुसवरी लेके जाते थे, तो वहाँ से कुछ आमदन हो जाती थी। या ये जो म्यूरल बना रहे थे अजायब घर में, जाहिर है उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अदरवाइज़ उनमें कोई हिस्स नहीं थी। बल्कि फाक्सा का फंक्शन हुआ उन दिनों, तो मैंने अर्ज़ की कि सर आपने किताब दुकान पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप आ जाएँ तो। कहने लगे भाई आ जाऊँगा लेकिन स्टेज पर नहीं बैठूँगा। मैंने कहा जी ठीक है, आ गए ऑडियंस में बैठ गए। अब ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क का सबसे बड़ा मुसव्विर और ख़त्तात वहाँ पर बैठा हो और मुझ जैसे एक नौवारद अदीब की एक किताब हो, नावलट फाख्ता, तो उसके ऊपर अगर बात कर जाए तो हमारी तो बात बन जानी है ना। तो मैंने बहुत गुजारिश की और ऑडियंस में भी इसी बहुत से लोगों ने फरमाइश की कि साद कैन साहब आप तशरीफ लाएँ। तो साद कैन साहब ने कुछ मेरी हौसला अफजाई की। इस दौरान एक साहब खड़े हो गए, सवाल जब उनके साथ शुरू हो गया तो उन्होंने कहा कि जनाब आप मायनोश हैं और बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और आप बख्शे नहीं जाएंगे, खत्ताती करते हैं आप, बेहरमती करते हैं आप, मतलब कि मायनोशी करते हैं उसके साथ। तो मुझे अब तक याद आया कि उन्होंने कहा कि मियाँ ये बख्शिश जो है अगर आप जैसे लोगों के हाथों में होती तो मैं बख्शा ना जाता, वो उसके हाथ में है। और मैंने नातवां उंगलियों से जो 50-60 हज़ार बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ घरानों में वो आवेज़ हैं, उनकी बरकत से मुझ पर भी तो कोई करम हो ही जाएगा। एक तो उन्होंने ये, और बड़ा पक्का उनका ईमान था इन चीज़ों पर। अच्छा, उनकी दरवेशी का एक बहुत मशहूर वाक़या, मशहूर तो नहीं है मैं जानता हूँ, कि हर रमज़ान में आगाज़ में ये उनकी रिवायत थी कि वो अपनी खत्तातियों की नुमाइश करते थे मुफ्त, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी इधर उधर। तो एक मरतबा रमज़ान के दौरान वो मेरा ख्याल है कुवैत गए और वहाँ पे एग्ज़िबिशन की, और ज़ाहिर है वो खत्तातियाँ वो एक परमानेंट एग्ज़िबिशन थी, वो फ़रोख्त नहीं थी या किसी को देते नहीं थे वो, ज़ाहिर है। तो एक शेख साहब को वो खत्ताती एक पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा कि इस आर्टिस्ट से पूछो, अपने असिस्टेंट से, कि भाई ये कितने की है। साद कैन से पूछा गया तो उन्होंने बहुत मुअद्दब होकर कहा कि शेख साहब से कहिए कि ये बराए फरोख नहीं है। उन्होंने जाके कह दिया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, उनको तो आदत ही नहीं ना कि भाई कोई ये कहे कि ये आप नहीं ले सकते, हासिल नहीं कर सकते। तो कहा जाता है ये उनके साथ जो शख्स थे उन्होंने रिलेट किया था कि वो शेख ने अपनी चेकबुक रखी सामने, उसने कहा कि इसको कहो कि जितना मर्जी लिख ले यहाँ डॉलर्स। तो साद कैन ने कहा हज़ूर इस फ़कीर ने कह जो दिया कि बराए फरोख्त नहीं है, तो चले गए। अब किसी तरह उनका दिल आ गया उस खत्ताती पे, वो रोज़ाना आते थे उसको देखते थे, चले जाते थे, उन्हें मालूम था कि जवाब क्या देगा। आखिरी रोज़ था नुमाइश का, वो शेख साहब आए, जब जाने लगे तो साद कैन ने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये खत्ताती उतारो और जाकर शेख साहब को पेश कर दो। तो उसने खत्ताती उतारी और उसने कहा जी साद कैन साहब ने आपके लिए भेजी। अब जाहिर है कि ये उनकी दिली मुराद भर आई, तो उन्होंने बहुत ही इमोशनल होकर कहा कि आप बताएं कि इसकी कीमत क्या है। उन्होंने कहा शेख साहब हमने कहा था ये बराए फरोख्त नहीं है, ये इस हकीर पुरतकसीर फ़कीर की जानब से तोहफे के तौर पे ले जाइए। बहुत वसी कैनवस है तो ब्रश को ज़रा आराम करने दें।
ब्रश ताज़ा दम हो गया। अजायब घर में वो जो रहते थे उसको खैमा साद कैन कहते थे। तो खैमा साद कैन में अक्सर ख़वातीन भी आती थी क्योंकि उनकी हुसन परस्ती के किस्से मशहूर थे और सब किसी ना किसी काम की वजह से आती थी। उनसे कोई ना कोई मुसवरी का कोई नमूना या कोई और पोर्ट्रेट बनवाना चाहती थी और उनसे कोई जाली अकीदत और मोहब्बत का भी बहुत मतलब है कि ढोंग रचाती थी। और साद कैन बहुत इस मामले में इंसानी शख्सियत को की परख रखते थे। वो खूब जानते थे कि ये इंसान सिंसेयरली ये कह रहा है या ये नीयत इसकी है या नहीं है, वो परख लेते थे। तो एक रोज़ मुझे कहने लगे, को खातून आई, बाद में कहते हैं दार साहब ये नुरीली किस्म की खातून आई है, इसके बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा जरूर ये आपको बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है, क्योंकि वो तो हम जानते हैं, इनका क्या ख्याल है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये समझते हैं कि भाई इंसान ने अगर बेवकूफ़ बनना है तो किसी मर्द से क्यों बने, सिंफे नाजुक से बेवकूफ़ बना जाए ताकि उसमें कुछ लुत्फ भी पैदा हो। तो इसी तरह एक खातून थी, अदब से उनको शगफ था, वो काफ़ी आती थी, उनके लिए खाने बना के ला रही हैं, उनके लिए और चीज़ें ला रही हैं। तो उनको एक खत्ताती पसंद थी, तो एकदम मरतबा उन्होंने ख़ुद इजहार किया कि सर ये मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे वो उसमें है, वो जो नुमाइश करता हूँ उसमें शामिल है, ये नहीं मिल सकती। अब एक रोज़ वो खातून आई और उनको वो मोटी ज़िम्मेदार नहीं कहते थे, नाम उनका नहीं लेते थे, मोटी ज़िम्मेदार नहीं कहते थे, मैं उनको जानता भी था। तो एक रोज़ वो आई और आगे कहने लगी कि जे मेरे घर में वो दरसे कुरान है तो बरकत के लिए मैं ये चाहती हूँ कि ये खताती वहाँ लग जाए, तो अगर आप मुझे दे दें तो मैं कल वापस कर जाऊँगी आज शाम के लिए। तो साद कैन साहब मान गए, वो खताती ले गई, उसके बाद गायब हो गई। अब मुझे अक्सर कहे भाई ये आप भी हम पेशा खातून हैं, आप पेशे को तो जानते हैं ना, क्योंकि वो अदीब थी मैं भी। मैंने कहा जी हाँ, तो ये देखें कैसे चकमा दे के गई हैं, तो इनका क्या किया जाए। मैंने कहा जी ये तो आपकी मुनसर है, आप पे जो चाहें सो आप करें। हाँ, तो एक रोज़ कहने के फिर उठिए, वो जो आपकी हम पेशा खातून है हम उसके घर चलते हैं और खत्ताती वापस ले के आते हैं। अब मैं साथ इसलिए ना गया कि खाम खा मैं इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहता था। मैंने कहा जी मुझे कोई काम है, अभी एक तो आपको तो डेढ़ दो घंटे लगेंगे। चुनाचे साद कैन गए और सीधे अंदर गए, सलाम दुआ का जवाब नहीं, अपनी खत्ताती उतार के तो वापस ले आए। और वो यही कहते थे कि देखें मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ जिस तरह लोग समझते। अच्छा, साद कैन खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थे, उनके वो जो जुस्सा था उससे अंदाज़ा होता था कि मौसूफ कुछ खाते पीते नहीं, क्योंकि हम वक्त वो मसरूफ है। मुझे अब तक याद है कि एक मरतबा मैं गया, मतलब कि 3-4 बजे चला गया, तो गालिब के ऊपर, गालिब की बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मुसवरी की है, वो एक बना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा साद कैन साहब वो अपना आपने दोपहर का खाना खा लिया। कहने लगे भाई हमने तो नाश्ता भी नहीं किया। तो मैंने कहा कुछ खाना पीना नहीं? कहने लगे नहीं, सूप पियेंगे और उससे गुजारा हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, पहले ये तस्वीर मुकम्मल कर ली जाए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि हमेशा उनके हाथ चलते रहते थे, नक्श जो होता मुकम्मल हो जाता था जहन में, बाद में सिर्फ वो उतारते थे उसको, और जब बैठे बैठे उनको कोई ख्याल आता था तो हल्की सी सीटी बजाते, जिससे ज़ाहिर होता था कि इनके जहन में कोई नया नक्श जो है वो उभरा है। तो एक रोज़ मैं गया हूँ, दोपहर का वक्त था, तो आप जानते हैं कि अजायब घर के जो पिछला हिस्सा है उसके सामने टोरेंटन मार्केट है, दरमियान में एक सड़क, तो एक ज़माने में वो जो है अपना टोरेंटन मार्केट, वहाँ तंदूर वगैरह हुआ करते थे, वो बड़े गोश्त की दुकानें होती थी। तो साद कैन साहब सड़क के उस हिस्से में खड़े हुए, यानी अजायब घर वाले,
और हाथ में एक कटोरी यूं करके ना, जिस तरह चाइनीज बाजीगर जो होते हैं वो बैलेंस यूं कर रहे हैं, बैलेंस हो नहीं रही, वैसे ही झूम रहे थे थोड़े से, तो खड़े हुए और आंखों में वो चश्मा बार बार ठीक कर रहे। तो मैंने कहा ये पता नहीं यहाँ पे क्या खड़े हुए हैं, वहाँ धूप है, कोई एक आध ट्रैफिक गुजर जा रही और हैरान परेशान से खड़े हुए हैं। तो मैंने जाके सलाम दुआ की, तो मैंने कहा कि साद कैन साहब कुछ हवाखोरी हो रही है। मैंने कहा दार साहब हवाखोरी तो नहीं, कोई करेलाखोरी हो रही। तो वो मन्नू भाई के घर से कीमा भरे करेले आए थे, तो हमारा ख्याल था कि रोटी यहाँ से ले लेंगे। तो वो खालिद भी चले गए और सुल्तान भी कहीं गए हुए हैं, फ़कीर के पास रकम तो होती नहीं, उनके पास होती। तो हम सोच रहे हैं कि इसको पार कर जाएं, अगर सड़क को अगर पार कर सकते हैं तो उधर एक तंदूर है, उससे कुछ उधार कर लेंगे, इसको भी गर्म करवा लेंगे। तो मैं फिर जाहिर है कि उनको साथ, अपने पास रकम नहीं रखते थे वो, उनके पास उनके कोतवाल जो थे उनके पास होती थी, और खुद बिल्कुल। तो ये जो मैं सुल्तान का तذکرہ किया है, ये लड़का उन दिनों कभी कभार दिखाई पड़ता था, कहा जाता था कि दूरपा का रिश्तेदार है, लेकिन मुलाजम के तौर पर। उसके बाद बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनके जो सलमान साहब हैं जो अब साद कैन फाउंडेशन के चेयरमैन वगैरह, उन्होंने भी कहा है कि वो सुल्तान साहब ने बाद में अपने आप को इनका वारिस करार दिया और सैकड़ों पेंटिंग्स जो थी वो ले गए, बल्कि फेक पेंटिंग्स बना के ख़ुद वो ऑथेंटिकेट करके वो देते थे कि साद कैन ने मेरे सामने बनाई। तो बाद में बाहर तौर उनका सद्दे बाब हो गया। तो इस तरह उनकी तबीयत में सादगी, और मैं ख़ुद भी इकरार करता हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि आप मुझसे कसम ले लीजिए कि अगर उन्होंने जितना मैं काम, उन्होंने 25 स्केच बनाए बड़े मेरी किताब के, मेरी पोर्ट्रेट बनाई, टाइटल बनाया, लेकिन एक पैसे की ना कभी उन्होंने ख्वाहिश की, ना मुझे जरूरत हो सकी ये पूछने की कि हुजूर मैं कुछ पेश करूं, नथिंग। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि एक रोज़ मैं गया तो कहने लगे दार साहब बहुत लगता है खुश खुश आ रहे हैं, वो खा भी के आ रहे हैं। मैंने कहा जी बेगम ने पसंदे बनवाए थे तो बनाए थे तो अच्छे थे। अच्छा भाई पसंदे तो हम भी शौक से खा सकते हैं। तो मैं फिर उनके लिए कुछ पसंदे बना के लेकर गया, अदरवाइज 1.5-2 बरस में खाया पिया मैंने ही उनके हाथ से है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं लिया। खत्ताती करते हाथ थक जाते हैं, आराम देना चाहिए। उंगलियाँ भी तरोताज़ा हो गई। एक रोज़ हम बैठे थे, चैप्टर आगे बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो एम्स्टरडैम के बारे में एक चैप्टर था, वहाँ पे यूथ हॉस्टल में ठहरता हूँ तो वहाँ पे बारिश होती तो ख़वातीन जो हैं वो ज़रा ऐसे ही बेपरवाह होकर जाके तो नहाना शुरू कर देती। तो वो तीन ख़वातीन उन्होंने बनाई, तो उसके बाद कहते हैं लार साहब आपकी अगर ख्वाहिश हो तो इसमें कुछ मुकामात आओ फुगाम भी बना दिए जाएं। अब मेरी समझ में नहीं आया ये मुकामात आओ फुगाम कहाँ से। मैंने कहा जी अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बना दें। तो उन्होंने एक नीम कोस से खींची सब पे और एक एक नुक्ता डाल दिया, तो सब हमें पता चला कि मुकामात आहो वहाँ क्या होते हैं। अच्छा ये जो कहा जाता है ना कई मरतबा कि वो इंसान तो नहीं जिन है, ये बिल्कुल मतलब सही उतरता है साद कैन की शख्सियत पे। मैं ख़ुद लिखने वाला हूँ और मैं ख़ुद बहुत लिखता हूँ, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि एक इंसान जिसकी यही उंगलियाँ ना इतनी 5 उंगलियाँ, इनसे उसने इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लिए। हज़ारों की तादाद में तस्वीरें, लाखों की तादाद में बिस्मिल्लाह शरीफ, और उसके अलावा आप देखिए कि म्यूरल्स,
यानी लाहौर अजायब घर जो है उसका म्यूरल आप देखिए किस ह्यूज स्केल पर है, फ्रेयर हॉल कराची का, स्टेट बैंक पाकिस्तान का, ये तीन तो मैंने गिना दिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ पे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अमरोहा में, और फिर सबसे बढ़कर मंगला का जो पावर हाउस है मंगला डैम का, वो अंदर, उसके अंदर जो म्यूरल है वो मैंने खुद नहीं देखा हुआ, लेकिन जिन लोगों ने देखा हुआ है वो कहते हैं कि हम यकीन नहीं कर सकते कि किसी एक शख्स ने ये बनाया, बाकी म्यूरल्स को तो छोड़ें, उसका इतना वसी है स्केल कि उसको आसानी से आप दुनिया का सबसे बड़ा म्यूरल कह सकते हैं। ये दुरुस्त है कि हमेशा असिस्टेंट होते हैं और रंग भरते हैं, नोक पलक जो भी है, माइकल एंजलो के भी थे, डिविंची के भी थे, तमाम जितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो अक्सर नक्श बना के, बुनियादी बना के, तो कुछ हिस्सा जो होता है उनके शागिर्द उनके साथ होते होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे तो इन उंगलियों ने जितने स्केच बनाए और जितने उसमें एक परतौ है इंसानियत के और शेरों के और हर चेहरे का एक्सप्रेशन अलहदा है, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि ये जो टेराकोटा आर्मी है 12,000 सोल्जर उस बादशाह पुराने ने चीनी ने बनवाए कि अगली अपना जो क़यामत के बाद मेरे काम आएंगे जब हम जिंदा होंगे, तो तमाम टेराकोटा सोल्जर जो है ओरिजिनल सोल्जर की शक्ल के बनाए गए थे, हर सोल्जर अलहदा शक्ल का। इसी तरह ही आप देखेंगे कि सादकैन के बनाए हुए जितने भी चेहरे हैं, और वो हज़ारों नहीं मेरा ख्याल लाखों ही होंगे, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, दे आर टोटली डिफरेंट। तो मेरा तो यकीन है कि सादकैन जो थे वो इंसान के रूप में एक जीनी थे।